नमस्कार, स्वागत है आपका डीबी भारती समाचार में। मैं हूं आपके साथ वर्षा वर्मा। अयोध्या के नाकाचुंगी स्थित नीलकंठ के मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी व मेले का होगा जल्द शुभारंभ। ड्रीमलैंड प्रदर्शनी मेले के प्रबंधक अजय कुमार पांडे ने बताया कि नीलकंठ के मैदान में ड्रीमलैंड प्रदर्शनी का शुभारंभ 2-3 दिनों में हो जाएगा। इस प्रदर्शनी मेले में अत्याधुनिक झूले जो अयोध्या में पहली बार आए हैं, जैसे टावर झूला पहली बार आया है, जॉइंट बिल, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, कोलंबो, स्लैम्बो आदि झूले इस प्रदर्शनी मेले में आए हैं। और तरह तरह के बच्चों के झूले और तरह तरह की दुकानें, जैसे हैंडीक्राफ्ट, क्राकरी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, किचन की विभिन्न प्रकार के सामान, कटलरी और खाने पीने की तरह तरह के व्यंजन के रेस्टोरेंट, सॉफ्टी, आइसक्रीम आदि इस ड्रीमलैंड प्रदर्शनी व मेले में हैं। और इस प्रदर्शनी मेले में कोविड-19 का पूरा पालन किया जाएगा। प्रदर्शनी मेले के प्रबंधक अजय कुमार ने सभी प्रदेशवासियों व अयोध्या वासियों को श्रावण माह की हार्दिक बधाई दी और कहा कि प्रशासन का पूरा सहयोग हम लोगों को मिल रहा है। जिला प्रशासन का भी धन्यवाद व्यक्त किया है। ये प्रदर्शनी ड्रीमलैंड प्रदर्शनी नाकाचुंगी के पास लग रही है, जो नीलकंठ के मैदान में है। ये एक दो दिन के अंदर इसका शुभारम्भ कर दिया जाएगा। मेले में बहुत ही अत्याधुनिक झूले जो कभी फैजाबाद में आए नहीं हुए हैं, टावर झूला जो कभी फैजाबाद में लगा नहीं है, और जॉइंट व्हील, ब्रेक डांस, ड्रैगन ट्रेन, टोरा टोरा, सलेम्बो, कोलंबस इत्यादि कई क्रॉस इत्यादि कई प्रकार के झूले इस मेले में लगे हुए हैं। बच्चों के भी मनमोहक आइटम इस मेले में लगे हुए हैं। इसमें दूर दराज से तरह तरह की दुकानें भी आई हैं, जैसे हैंडीक्राफ्ट, क्रॉकरी, फिरोजाबाद की चूड़ियाँ, और किचन के विभिन्न प्रकार के सामान, कटलरी और खान पान, भेलपूड़ी, और खान पान के विभिन्न स्टूडेंट दिनेश सुपर सॉफ्टी इस मेले का मुख्य आकर्षण है। ये हमारे मेले में की शोभा बढ़ाने के लिए गेट के जस्ट बगल में लगाया जा रहा है। और सावन मेले में जिला प्रशासन द्वारा भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है, नगर पुलिस द्वारा भी मेरा। जय विहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय विहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में अपर पुलिस महानिदेशक गोरखपुर जॉन महोदया द्वारा पुलिस लाइन बलरामपुर का वार्षिक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान महोदया द्वारा क्वार्टर गार्ड में सलामी ली गई। तत्पश्चात शस्त्रागार, स्टोर रूम, परिवहन शाखा, CCTNS कार्यालय, GD कार्यालय, कैश कार्यालय, DCR शाखा, भोजनालय आदि का निरीक्षण किया गया। UP 112 के 2-पहिया तथा 4-पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया। तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। 4-पहिया वाहनों में संवेद दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, आदर्श आरक्षी बैरक तथा पुलिस लाइन आवास के आसपास साफ सफाई एवं स्वच्छता हेतु विशेष ध्यान देने हेतु संबंधित को निर्देशित किया गया। महोदय द्वारा रिजर्व पुलिस लाइन सभागार में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों से आए आम जनमानस से संवाद किया गया तथा उनकी समस्याएं सुनी गईं और बेहतर पुलिसिंग के लिए सुझाव लिए गए। एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थ नगर।
राजस्थान के शाहबाद में ऐतिहासिक पर्यटन स्थल कुंडा खोह जलप्रताप पर गुरुवार दोपहर घूमने गए दो युवकों के गिरने की सूचना के बाद पुलिस प्रशासन ने मौके पर पहुंचकर युवकों की तलाश शुरू कर दी। देर शाम को एक युवक का शव बरामद हो गया, बाद में रात हो जाने से रेस्क्यू ऑपरेशन टाल दिया गया। शाहबाद थाना अधिकारी ने बताया कि शाहबाद के कॉलोनी गांव में दो युवक अपने रिश्तेदारों के यहां आए थे, के बाद कुंडा खोह पर नहाने चले गए। नहाने के दौरान दोनों का पैर फिसलने से संतुलन बिगड़ गया और वो खोह में नीचे जा गिरे। सूचना मिलते ही पुलिस जाब्ते के साथ पहुंची और युवकों की तलाश शुरू की। इसी दौरान 12 के NDRF की टीम ने मौके पर पहुंचकर सर्च अभियान शुरू किया। देर शाम को युवक जीतू सैन 28 का शव मिल गया। वह 12 के नियाना गांव का निवासी था। दूसरे युवक की शुक्रवार सुबह तलाश शुरू की जा रही है। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाएं, संपर्क करें 9918781000। छत्तीसगढ़ के चिरमिरी नगर पालिका निगम चिरमिरी के क्षेत्र में शासकीय शराब दुकानों में एवं चिकना दुकानों के आसपास गंदगियों का है जमावड़ा। नगर पालिका निगम चिरमिरी के होते हुए क्षेत्र के कई शासकीय देसी एवं अंग्रेजी शराब दुकानों में आसपास एवं चिकना दुकानों के पास फैल रही गंदगी का जो मंजर देखने को मिल रहा है, उससे ऐसा प्रतीत होता है नगर पालिका निगम के होते हुए गंदगी जिस तरह से फैल रही है, जिसकी साफ सफाई न होने के कारण भयंकर बीमारी महामारी फैल सकती है। जहां का मंजर हमने देखा तो बड़ा आश्चर्य हुआ। जहां लोग शराब का सेवन कर रहे हैं, वहीं आसपास के चिकना दुकान के पास फैल रही गंदगी, जहां खाने पीने का सामान भी मिल रहा हो, वहां इस तरह की गंदगी बढ़ रही है। जबकि नगर पालिका निगम चिरमिरी के होते हुए जगह जगह सफाई कर्मचारी लगे हुए होने के कारण इस ओर किसी का ध्यान न जाने के कारण क्षेत्र की शराब दुकानों में फैल रही है गंदगी। जब हमने लोगों से इस बारे में पूछताछ की तो लोगों ने बताया कि यहाँ गंदगी हमेशा इसी तरह शराब दुकान के पास रहती है, किसी का ध्यान न जाने के कारण ये गंदगी दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। आप देख भी सकते हैं कि यहाँ दुकानें लगी हुई हैं, जहाँ गंदगी होने के बावजूद भी कहीं बैठने का ठिकाना न होने के कारण लोग इसी गंदगी में शराब का सेवन कर रहे हैं। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाए अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आए आर्य इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बासी रोड, रंभापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। प्रदेश के एटा थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर लूट की योजना बनाते तीन अभियुक्त गढ़ों को दो अवैध तमंचा, 12 बोर मय 21 कारतूस जिंदा व 3 खोखा कारतूस व 1 अवैध तमंचा, 315 बोर मय 5 कारतूस तथा 1 बुलेट मोटरसाइकिल सहित ITI कॉलेज के पास कासगंज रोड से गिरफ्तार किया गया है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार अभियुक्त गढ़ लक्की सिंह, किशन पाल, चंद्रमोहन उर्फ चिंटू, सभी निवासी गढ़ अलीगढ़ के विरुद्ध थाना कोतवाली देहात पर निम्न अभियोग पंजीकृत कर थाना स्तर से आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। वहीं पुलिस ने बताया कि तीनों अभियुक्त गढ़ शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो आसपास के जिलों में रैकी कर व्यापारी व अन्य राहगीरों से लूटपाट की घटनाओं को अंजाम देकर वापस अपने गंतव्य स्थान पर चले जाते हैं। जनपद अलीगढ़ में भी कई घटनाओं को चोरी छिपे अंजाम दिया गया है, जिसके संबंध में जनपद अलीगढ़ से जानकारी की जा रही है। अभियुक्तगढ़ व्यापारिक प्रतिष्ठानों की रैकी कर रहे थे। घटना कारित करने से पूर्व ही तीनों उपरोक्त अभियुक्तगढ़ों को गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला
ये कल 20 तारीख को थाना कोतवाली देहात की टीम जो है मशीन की, उसी दौरान कास्करी रोड पे तीन साथी बदमाश पकड़े गए, जिनके पास से अवैध 315 बोर के तमंचे और कारतूस बड़ी संख्या में बरामद हुए हैं। और ये तीनों अभियुक्त लक्की, राहुल और चंद्रमोहन ये जनपद अलीगढ़ के रहने वाले हैं और ये एक बड़ी घटना करने के फिराक में थे और पुलिस के प्रोएक्टिव कार्य से बड़ी घटना होने से बच गए। इसमें से जो लक्की नाम का अभियुक्त है, इसके विरुद्ध अलीगढ़ में पहले से मुकदमे पंजीकृत हैं। शेष दोनों के जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली, पानी, सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। डी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। में नाबालिग पुत्री की बरामदगी के लिए दर दर भटक रही पीड़िता मां, कलेक्ट्रेट पहुंच जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को भेजा शिकायती पत्र। पूरा मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला भरतवाल से जुड़ा है। वर्तमान निवासी किरण देवी पत्नी संजय सिंह समाजवादी पार्टी महिला सभा की जिला उपाध्यक्ष हैं। पीड़ित किरण देवी समाजवादी पार्टी के नेताओं एवं परिजनों के साथ आज कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची। जिलाधिकारी को महामहिम राज्यपाल को नामित मांग पत्र जिलाधिकारी को सौंपते हुए बताया कि उनकी नाबालिग पुत्री साधना उर्फ बिट्टी मोहल्ला भरतवाल स्थित प्राइवेट विद्यालय में सफाई आदि का कार्य करती थी। पीड़ित पक्ष का आरोप है कि विद्यालय के अध्यापक अंकित राठौर, पुत्र खेमचंद राठौर एवं अजय चौहान द्वारा साजिशन नाबालिग पुत्री को विद्यालय बुलाकर अगवा कर लिया गया है। बीते 22 जनवरी से पीड़िता की पुत्री गायब बनी हुई है और पुलिस ने मामले में केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट ही दर्ज की है। 6 माह का समय बीत गया है, ना ही आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने कोई कार्यवाही की है, ना ही पीड़िता की नाबालिग पुत्री की बरामदगी पुलिस प्रयास कर रही है। पीड़िता ने मामले की शिकायत महामहिम राज्यपाल से करते हुए मामले में कार्यवाही करने की गुहार लगाई है। हमारी किरण जी हैं, महिला सभा की विधानसभा उपाध्यक्ष हैं, मंत्री से इनकी बेटी 6 माह से गुम है और गुम सुधगी की रिपोर्ट कोतवाली मैनपुरी में दर्ज है। लेकिन अफसोस की बात है, कई बार मैंने अधिकारियों से इस विषय पर चर्चा की दर्जनों बार, लेकिन इसके बाद भी इस बेचारी गरीब वो बेटी बरामद नहीं हो पाई। और आज हम लोगों ने एक सप्ताह पहले नोटिस दिया था कप्तान साहब को कि 20 तारीख तक बच्ची बरामद कर ली गया था। 21 तारीख से हम लोग महिला सभा की जिलाध्यक्ष हैं, इनके नेतृत्व में आपने नोटिस दिया, लेकिन हम लोग धरने पे बैठे हैं, जिसके लिए हम लोग बैठे। क्या ज्ञापन भी सौंपा है? हाँ, महामहिम राज्यपाल जी के लिए और कप्तान साहब के लिए ज्ञापन एडिशन साहब को, डी डी श्याम को, डीएम साहब को दिया। क्या मांग की है हमने? अब मेरी मांग तो केवल एक सूत्र है कि वो बच्ची, गरीब बच्ची हमारी बरामद हो। बच्ची क्योंकि नाबालिग है और छोटी बच्ची है, उसको कोई बरगला करके ले गया, हमारे 13-14 साल की बच्ची है, तो कम से कम 6 महीने बीतने के बाद भी यदि बच्ची बरामद नहीं होती, निश्चित रूप से ये बड़ा प्रश्न है। जहाँ एक तरफ बहुत सरकार सबको न्याय, सबके साथ, सबके विकास की बात करती है, वहाँ पर एक दलित बेटी जो 6 महीने से विलुप्त है और यदि बरामद नहीं हो तो निश्चित रूप से सरकार और सरकार की कुल की घोषणाओं के ऊपर एक बड़ा प्रश्न है।
देखते रहिए डीबी भारती समाचार, नजर हर खबर। जय बिहार कॉलोनी कुशाहा में आवासीय गेटेड कॉलोनी में प्लॉट मात्र 12,50,000 में, जहां आपको गेटेड कॉलोनी के साथ बिजली पानी सीसी रोड भी उपलब्ध है। प्राइम लोकेशन जहां तहसील, बच्चों के लिए स्कूल, हॉस्पिटल बस कुछ ही दूरी पर उपलब्ध है। वीर विनायक चौराहा पर जय बिहार कॉलोनी। पहले आए पहले पाए, संपर्क करें 9918781000। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर। बी फार्मा और बी फार्मा कोर्सेज में एडमिशन लेकर बनाएं अपना करियर। मेडिकल फील्ड में एडमिशन के लिए आज ही आएं आर ए इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, सहजनवा, बांसी रोड, रंबापुर, कुर्दिया, सिद्धार्थनगर।